लग रहा है कि सरकार तमाशा देख रही है सरकार की घटनाओं पर। तो उनके किसी मंत्री से, किसी उनके नेता से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो कोई संस्कार की मर्यादा की भाषा बोलेंगे। 30% से भी ज्यादा बेरोजगारी दर राजस्थान में है। 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी। सरकार का आंकड़ा ये कहता है कि हमने 1 लाख, क्योंकि ये प्रियंका जी ने कहा लड़कियों लड़ सकती हैं पर अपराधों पर नियंत्रण नहीं हुआ। मैंने देखा वो बयान और उसके बारे में चर्चा भी सुनी है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये आचरण पहली बार नहीं है। जो सदन के अंदर इस प्रदेश को मर्दों का प्रदेश बताते हो बलात्कार की घटनाओं पर, तो उनके किसी मंत्री से, किसी उनके नेता से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो कोई संस्कार की मर्यादा की भाषा बोलेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रदेश में, देश में नारियों की पूजा होती हो, वहाँ वो महज इसकी कीमत किसी जूते से तुलना करते हो। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पतन का ये एक शुरुआत हो गई। एक बड़ा कारण है कि जब व्यक्ति इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करता है तो या निराशा में करता है, या फ्रस्ट्रेशन में करता है, और या संस्कार नहीं होते तब करता है। मुझे लगता है सारे ही कारक हैं, और इस तरीके की बयानबाजी ही महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति, वो किसी भी संगठन के पतन का कारण होती है। मुझे लगता है कि अनेक कारणों में ये कारण भी बनेगा जब उनको इन सब की बद्दुआएं लगेंगी। सर, मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं, मंत्री ने इससे पहले भी इस पर बयानबाजी की थी और ये कहा था कि ये पहले की घटना है, लेकिन 22 का भी एफिडेविट लोगों ने दिखाया है। देखिए, ये जो घटनाएं, समाज की विकृति हो सकती है लेकिन शासन की भी कमजोरी है, और इसलिए किसी भी जिम्मेदार लोक कल्याणकारी शासन का एक जिम्मेवारी होती है कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस तरीके घटनाएं नहीं हो, और जो हो तो उसके प्रति जिम्मेदार सरकार जो है वो कठोर से कठोर कार्रवाई करे। पर सरकार के एक्शन में, सरकार के रिएक्शन में, सरकार की किसी भी गतिविधि से लगता नहीं कि सरकार को यहाँ पर घटित होने वाले अपराधों से, और खासतौर पर महिला अपराधों से कोई सरोकार है। विपक्ष का भूमिका निभाएगा? देखिए, दो पक्ष हैं, क्योंकि जब इस घटना की जानकारी मिली थी तो पार्टी का और जो जनप्रतिनिधियों का तबका, खुद महिला मोर्चे ने कलेक्टर के यहाँ धरना दिया, और खासतौर पर उस समय राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि भेजकर लोगों के बयान भी लिए, उन्होंने भी नोटिस जारी किया। तो मुझे लगता है कि इस पर समाज को भी और बाकी लोगों को भी चेतन होकर काम करना चाहिए। आप जो जिक्र कर रहे हैं वो भीलवाड़ा का है, ये बूंदी में अभी नया स्टिंग है, परसों ही चला टाइम्स में होने वाला। घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई भी है, और ये घटनाएं जिस सामाजिक बिरादरी में होती हैं उसके बारे में कहा यह गया कि वो समाज उतना जागरूक, उतना शिक्षित नहीं है, और इसका लाभ दूसरे लोग उठाते हैं। तो मुझे लगता है ये भी नैतिक जिम्मेवारी समाज की है, सरकार की है। कि सरदार शहर सामान्य तौर पर, जिसकी पृष्ठभूमि यह है कि हम उस सीट को 98 में एक बार जीते हैं, वो कांग्रेस पार्टी का एक इस तरीके की परंपरागत सीट रही है जहां हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां पंचायत समिति, नगरपालिका, लोकसभा, इस पर पार्टी को अच्छे तरीके से वहां मैंडेट मिलता है, और इन्हीं संभावनाओं के मद्देनज़र, क्योंकि वहाँ अशोक पिंचा जी परंपरागत उम्मीदवार रहे और एक अच्छा साइजेबल वोट हमेशा लेते रहे, 70,000-72,000 तक भी, और जो हार का मार्जिन है वो लगातार कम होता चला गया था। वहाँ की तात्कालिक समय जो समीकरण है, कई बार वोटों का डिवीजन लाभ भी देता है, कई बार नुकसान भी होता है। लेकिन इस बार इस उम्मीद और भरोसे के साथ, क्योंकि लगातार उनकी 4 चुनाव हैं तो उनके प्रति जनता की सहानुभूति साफ तौर पर, कार्यकर्ताओं का भी संकल्प कि इस बार हम सीट को जीते, ये भी तब जब 8 महीने के बाद चुनाव, फिर भी 15 से लेकर एक लंबी फहरिस्त उम्मीदवारों की थी, उसमें से अशोक जी का चयन, ये अपने आप में इस संकल्प को दिखाता है कि हम लोग उस सीट को जीतने के इरादे से उतरे हैं। और पार्टी के सभी लोगों ने इस बार, सब लोगों ने, कोर कमेटी, वरिष्ठ लोग, पार्टी के तमाम लोगों ने, वहाँ के जो सर्वे, उस आधार पर ये निर्णय किया है। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे जो चुनाव परवान चढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अच्छी बढ़त के साथ हम लोग इस सीट को जीत पाएंगे। जो नाराजगी से उसको किस तरह से दूर करेंगे? नाराजगी का पक्ष तो सामान्य राजनीति में, तो क्योंकि अब प्रतिस्पर्धा भी होती है, प्रतिद्वंदिता भी होती है, महत्वाकांक्षाएं भी होती है, ऐसे में हर व्यक्ति अपने आप को, मैं तो इसको सकारात्मक रूप से इस तौर पर देखता हूँ कि जहाँ
कांग्रेस केवल सहानुभूति के कार्ड पर निर्भर है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास 15 उम्मीदवारों की एक लंबी फहरिस्त थी। इसका मतलब बीजेपी के टिकट के प्रति लोगों का आकर्षण ज्यादा है कांग्रेस के बनिस्पत। सर कई भर्तियों पर फिर दिक्कत आई, अभी हाल ही में वन भर्ती में भी दिक्कत आई, उस विद्यासंबल योजना को बंद किया गया सरकार की तरफ से। देखिए सरकार की जितनी 2018 में जन घोषणा पत्र से लेके उनकी जो घोषणाएं थी उसमें ये कहा जरूर गया था कि बेरोजगारी को दूर करेंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, बेरोजगार भत्ता देंगे, लेकिन स्थिति इसके उलट है। 30% से भी ज्यादा बेरोजगारी दर राजस्थान में है। 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी। सरकार का आंकड़ा ये कहता है कि हमने 1 लाख को नौकरी दी है सदन में, जिसका उल्लेख मुख्यमंत्री जी ने किया। इसका मतलब जो 69 लाख बच्चे थे उनका भविष्य तो दांव पर ही था। कोर्ट में खाज ये हुआ कि लगातार रीट की चीट के बाद मुझे लगता है कि राजस्थान में संगठित रूप से एक माफिया पनपा, जिसने गरीब बच्चों के, जिसने बेरोजगार बच्चों के अरमान तोड़ने का काम किया, उनके सपने चकनाचूर किए, उनके माँ बाप की उम्मीदों को ध्वस्त किया। ऐसे में जब नकल अपने आप में एक संगठित अपराध हो जाए, और मैं तो ये मानता हूँ कि राजस्थान बहुत पीसफुल स्टेट था, लेकिन यहाँ जिस तरीके से माफिया का राज हुआ, खनन माफिया चिंता का एक कारण था, पर्यटन माफिया चिंता का एक कारण था, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से नकल माफिया ने एक अपने आप में जगह बनाई और राजस्थान के बेरोजगारों के लिए वो एक अभिशाप बनकर आया, मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार को बच्चों के भविष्य से कोई सरोकार नहीं था, वरना कोई भी संजीदा सरकार होती तो कम से कम उनके एक्शन से तो लगता कि भविष्य में कोई नकल न करे या इस तरीके से लीक न हो, पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिबद्धता दिखी नहीं, और यही कारण है कि राजस्थान के नौजवानों में बड़ी निराशा है। देखिए ऐसे कई बार बहुत टिपिकल मसले आते हैं जिसमें समाज के भीतर ही उनका विरोधाभास होता है, कंट्राडिक्शन होता है, पर लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार की भी कोई नैतिक जिम्मेवारी होती है, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि सरकार तमाशा देख रही है, कोई न कोई एक सर्वसम्मति बनाकर कोई बीच का रास्ता निकालकर जिम्मेवार लोगों से बात करके सरकार को पहल करनी चाहिए थी, पर इसका एक विचित्र और हास्यास्पद बात है कि सरकार का ही कोई पूर्व मंत्री और सरकार के खिलाफ ही आंदोलन करता है, तो ये तो बड़ी विचित्र सी बात है। इसमें मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है, कहीं ना कहीं सरकार से प्रेरित इस तरीके की घटना है जिससे समाज का ध्यान बटाने की कोशिश होती है, लेकिन समाज में कहीं असंतोष है, समाज में कहीं अराजकता की आशंका है, तो वो सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है, पर मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री सभी किस्म की जिम्मेवारियों से बचना चाह रहे हैं। देखिए कांग्रेस की कथनी और करनी में भी फर्क है, और कांग्रेस की जो आचरण है उसमें भी दोहरी मानसिकता है। गुजरात में वायदे कुछ करते हैं और राजस्थान में देखते कुछ नहीं है। राहुल गांधी भी अपनी यात्रा में बेरोजगारी का सवाल उठाते हैं, तो मुझे इस बात का भय है कि जब राजस्थान में आएंगे तो वो क्या कहेंगे, क्योंकि ये प्रियंका जी ने कहा लड़कियों लड़ सकती हूँ पर अपराधों पर नियंत्रण नहीं हुआ। बेरोजगारी का सवाल राहुल गांधी केरल और कर्नाटक में उठाते हैं, लेकिन गुजरात में जिस तरीके से उन्होंने अपने घोषणा पत्र से लेकर बयानबाजी में किया है, तो मुझे लगता है कि ये जो दोहरा चरित्र है ये कांग्रेस की कमजोरी है। कहीं ना कहीं नीतिगत रूप से कांग्रेस को स्पष्ट होना चाहिए, और उनकी जुमा जुमा दो प्रदेशों में सरकार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तो राजस्थान में उन्होंने क्या किया ये गुजरात की जनता को भरोसा दिलाते, लेकिन राजस्थान के बढ़ते हुए अपराध, राजस्थान की बढ़ती बेरोजगारी, राजस्थान का बढ़ता भ्रष्टाचार, ये कांग्रेस के मसौदे का हिस्सा गुजरात में तो कम से कम नहीं हो सकता, तो उनको ये चीजें स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब राइजिंग सन है, उगता सूरज है, और मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से उसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं, हम सभी लोग, क्योंकि जो पार्टी में काम करते हैं उम्मीद के साथ काम करते हैं, राजस्थान की 8 करोड़ जनता के भविष्य के लिए काम करना चाहते हैं, और ऐसे में मुझे लगता है कि उनके बयानों की कोई बहुत सारी व्याख्या की गई है। उन्होंने बीजेपी को और हिंदुस्तान और राजस्थान की धरती पर इस तरीके से परिभाषित किया गया था, तो मुझे लगता है कि कहीं इस ये बयान कोई न तो सियासी है और न कहीं नकारात्मक है, एक कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिए एक पॉजिटिव बयान है जिसमें इसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए। अब उगते हुए हैं पूरे हैं ये तो व्याख्या आप कीजिए, लेकिन मैं तो इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम नेता पूरे तरीके से उत्साह से लबरेज हैं, और वो जो ऊर्जा है उसी के कारण कहा है कि कार्यकर्ताओं की जो ताकत है पार्टी की
वो इतनी सक्षम है कि 2023 में बीजेपी का सूरज उगा सकते हैं, कांग्रेस का अस्त कर सकते हैं, उसका भावार्थ यही था। कर की घटनाओं पर उनके किसी मंत्री से, किसी उनके नेता से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो कोई संस्कार की मर्यादा की भाषा बोलेंगे। 30% से भी ज्यादा बेरोजगारी दर राजस्थान में है, 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी। सरकार का आंकड़ा ये कहता है कि हमने 1 लाख, क्योंकि ये प्रियंका जी ने कहा लड़कियों लड़ सकती हूँ पर अपराधों